हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 9th का जो सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होना है दिसंबर को 1 तारीख को, तो उसका पूरा पूरा पेपर। दोस्तों, अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हैं तो आपके लगभग 75 में से 75 मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है, ये बात की गारंटी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022, ठीक है। इसके बाद जो आपको अगली जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है वो है यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इंग्लिश, और वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, नई शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर जो है आपकी जो स्पेशल और जनरल इंग्लिश हुआ करती थी उसको केवल एक ही कर दिया है, जो केवल आपकी कह रहेगा ये इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी जो टाइमिंग दी हुई है वो दी हुई है आपके लिए 3 आवर्स की, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 75। तो यहाँ पर चलिए इसको हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको पहले सबसे पहले जो है हमें ये पैराग्राफ को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी आर लिविंग इन दी एज ऑफ साइंस, एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बींग मेड मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए। यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं हम जो है विज्ञान के युग में ले रहे हैं, हर दिन यहाँ पर नए नए आविष्कार हो रहे हैं यहाँ पर इंसानियत को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन ऑफ 1789। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1789 की क्रांति के बाद, ठीक है, 1789। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है पैराग्राफ में, विद इन दीज 200 ईयर्स साइंस हैज़ मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस, इन 200 सालों में साइंस ने जो है एक बहुत ही अच्छी जो है प्रोग्रेस की है। द एयरप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज, और इस आधुनिक युग में एयरप्लेन जो है साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्या है आविष्कार है। इसके बाद देखेंगे इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार, ठीक है, ये जो फास्टेस्ट जो है दोस्तों तरीका है ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1789, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1789। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं तो हम आगे देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर सर एन एरोप्लेन रिजेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप, इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर दी पैसेंजर एंड अ कैबिन फॉर पायलट, ठीक है ना। तो इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी जो है यहाँ पर हमको मिले यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है किया दिया है कैबिन ऑफ द पायलट, दिस कैबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट, तो कैबिन को क्या कहते हैं कॉकपिट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द कैबिन ऑफ पायलट इज कॉल्ड अ, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कॉकपिट, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे पढ़ते हैं दोस्तों, इट हैज़ एन इंजन दैट इज़ बर्ड बाय पेट्रोल, इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड, बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस टू गैदर स्पीड, ठीक है, देन इट सडनली होप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ बर्ड बाय, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो है पेट्रोल, ठीक है, किसके द्वारा इंजन जो है वर्क करता है तो वो है पेट्रोल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जो फास्टेस्ट मीन्स है दोस्तों वो है आपका एरोप्लेन डी, ठीक है। यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन है जो कि है हम वी आर लिविंग इन दी, ठीक है ना, तो किस एज में रह रहे हैं दोस्तों हम, एज ऑफ साइंस, ठीक है ना, किसी साइंस के जो है युग में जी रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में भी हमको एक जो है पैरा दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं मैरी क्यूरी वॉज ऑन वन ऑफ द मोस्ट एकम्प्लिश्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री टुगेदर विद हर हस्बैंड पाइरर, सी डिस्कवर्ड रेडियम एंड एलिमेंट वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कैंसर, ठीक है ना। यहाँ पर जो है मैडम क्यूरी के बारे में जानकारी दी हुई है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है, ट्रीटिंग एंड स्टडीड यूरेनियम एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस,
तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम आंसर देख लेते हैं, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर डेड मैरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री, तो इसका आंसर है दोस्तों आ यूनिवर्सिटी इन वार्सो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज मैरीज फादर, तो इसका आंसर है दोस्तों आ प्रोफेसर। आप जो है इसका पूरा जो है आप यदि पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सोर्बोन, तो इसका आंसर दोस्तों बोल्डली। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैरी क्यूरी डॉक्टरेट वॉज इन विच अकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों फिजिक्स। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड डिस्कवर, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डिस्कवरी। क्या हो जाएगा आपका डिस्कवरी, डिस्कवरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आपको इसको सुटेबल टाइटल देना है। ठीक है, तो इसका सुटेबल टाइटल आपको सबसे पहले इसे पूरा पढ़ लेना है, तो वो आपका जो है इसका आपको क्या बताना है, सबसे पहले इसका टाइटल बताना है। तो इसका टाइटल हो जाएगा दोस्तों बायोगैस, आंसर क्या हो जाएगा बायोगैस इसका जो है आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं यू आर निशी कौरव स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेशन लिखनी है जो कि आपको दोस्तों हमारी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, आपने बस सर्च कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे तो वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है राइट एन ऐसे वन ऑफ दी फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है, इन चारों में से किसी भी एक पर 150 वर्ड में एन इंडियन फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज एंड माई हॉबी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सेक्शन सी में है, यहाँ पर सेक्शन सी में जो है हमें ग्रामेटिकल ग्रामर फिल करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फर्स्ट है सनराइजेज इन द ईस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द सनराइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट दोस्तों आइडेंटिफाई मैंगोज, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा एनी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों ही इज ए इंजीनियर, तो इसका आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट है दोस्तों वी टू वॉच द मूवी एस्टरडे, तो यहाँ पर हो जाएगा वेंट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जाता है देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों मच। नेक्स्ट है दोस्तों दे कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है ना, तो यहाँ पर जाएगा हैव, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब जो दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्ट में डू एज डायरेक्ट। ठीक है, पहला है यहाँ पर जो है रीअरेंज करना है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कैन यू गिव मी योर पेन, ठीक है, क्या हो जाएगा फर्स्ट कैन यू, सेकंड थर्ड और ये जो है आपका फोर्थ हो जाएगा, यानी फर्स्ट पे आपको कैन यू गिव मी योर पेन। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड में ही वर्क वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम कंबाइंड विद वर्थ, तो वही हो जाएगा ही वर्कड हार्ड वेरी हार्ड बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। नेक्स्ट दोस्तों अंकित प्लेड हॉकी, इसको हमें क्या इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है प्रेजेंट के, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अंकित प्लेज हॉकी, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपको लिख देना है प्लेज। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तो वो है रोहन स्पीक्स इंग्लिश चेंज इन टू नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा दोस्तों रोहन डजेंट आपको लगा देना है डज नॉट, ठीक है ना, आपको क्या लिखना है डज नॉट स्पीक इंग्लिश और बाद में आपको क्या लिखना है स्पीक, स्पीक्स नहीं लिखना है, क्या हो जाएगा स्पीक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो दे वॉक्ड इन द डार्क, इसको हमें क्या करना है पास्ट कंटिन्यू, तो वो हो जाएगा दोस्तों दे वर वॉकिंग, क्या हो जाएगा दे वर वॉकिंग आई एन जी लगाने वॉकिंग इन दी डार्क। ठीक है, इन दी डार्क आपको ये लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाएगा अजय इज इल ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल, ठीक है, हमें इससे सो से जोड़ना है, तो आपको क्या अजय इज इल और यहाँ पर आपको क्या जोड़ देना है, यहाँ पर आपको जोड़ देना है सो, सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल। ठीक है, तो ये था दोस्तों, अगर आप इसके बाद नेक्स्ट अदर क्वेश्चन जो आपके बुक से क्वेश्चन आंसर है वो भी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।